Hi friends, welcome to the desk, Deva English as a Spoken Class. Friends, अगर आप नए हमारे चैनल पर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है हमारी कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स. ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन, मैनर्स मीन्स शिष्टाचार. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स करना आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे, सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब, क्या, किसको और किस जगह पे, किस स्थिति में क्या बोलना चाहिए. तो वही कंफ्यूजन मैं आज दूर करूंगा. अच्छी तरह से आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना कि ग्रीटिंग्स हम किस वक्त क्या बोलते हैं और किस वक्त क्या बोलते हैं और मिलते वक्त क्या बोलते हैं, जाते वक्त क्या बोलते हैं. ऐसा में थोड़ा कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को रहता है, तो आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स में किसी से भी हम मिलते हैं तो सुबह से लेकर 12 बजे तक, मीन्स मॉर्निंग टू 12 o'clock आफ्टरनून तक अगर हम मिलते हैं, किसी से भी अगर हम मिलते हैं तो मिलते वक्त बोलेंगे गुड मॉर्निंग. ओके फ्रेंड्स, सुबह से लेकर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे मिलने पर, और विदा लेते वक्त हम बोलेंगे बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू. ओके फ्रेंड्स, सुबह से लेकर 12 बजे तक हम किसी से भी मिलते वक्त बोलेंगे गुड मॉर्निंग और उनसे विदा लेते वक्त हम बोलेंगे सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. ओके फ्रेंड्स, 12 बजे से 5 बजे तक हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून, और अगर हम विदा लेते हैं तो विदा लेते वक्त सेम चीज़ बोलेंगे जो हमने सुबह बोला था कि बाय, टेक केयर, सी यू एंड हैव अ नाइस डे. ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, मैनर्स की बात है, मैनर्स की बात. काफ़ी लोग मिलते हैं, बोलते नहीं हैं, नहीं बोलते हैं, चल जाता है काम, बट अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा. और अगर आप विदा लेते वक्त सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अगर हम ऐसा बोलते हैं तो भी अच्छा लगता है. अगर आप नहीं बोलते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता, बट अगर आप बोलते हैं तो उसे अच्छा लगता है. ठीक है फ्रेंड्स. और 5 बजे से लेकर सोने तक हम मिलने पर गुड इवनिंग बोलते हैं और विदा लेने पर गुड नाइट, टेक केयर, सी यू. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हैव अ नाइस डे नहीं बोलेंगे क्योंकि रात का टाइम है. तो 5 बजे से सोने तक हम किसी से मिलने पर गुड इवनिंग बोलेंगे और विदा लेने पर गुड नाइट बोलेंगे, टेक केयर बोलेंगे, हैव अ नाइस ड्रीम बोलेंगे, हैव अ नाइस नाइट भी बोल सकते हैं, हैव अ नाइस ड्रीम ज़्यादातर लोग बोलते हैं. फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप वैसे लोगों से मिलते हैं जो आपके हम उम्र हैं, आपसे छोटे हैं, तो उनसे मिलते वक्त हाय हेलो कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हाय हेलो भी चलता है. बट विदा लेते वक्त आप वही सेम चीज़ बोलना, सुबह से लेकर 12 बजे तक हो चाहे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हो, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, ये चारों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, बोलने से दिल को अच्छा लगता है, यही तो मैनर्स कहलाता है. मैनर्स मीन्स क्या मीन्स, ये अभिवादन है बट इसमें मैनर्स भी आ जाता है कि ये मैनर्स की बात है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभिवादन के लिए. ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं मैनर्स मीन्स शिष्टाचार. ओके फ्रेंड्स, अगर मैनर्स की बात आता है तो मैनर्स में हम इंग्लिश में मैनर्स मीन्स शिष्टाचार किस तरह से व्यक्त करते हैं, हम क्या बोल के व्यक्त करते हैं शिष्टाचार को, मैनर्स को, ये अभी हम सीखेंगे. तो जैसे अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं या किसी से हमें कुछ लेना है, उसे बोल रहे हैं कि हमें दीजिए, तो वहाँ पर प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसे सामने वाले को अच्छा लगता है. ठीक है फ्रेंड्स, और वो खुशी खुशी देता है.
जैसे हम किसी से पेन मांग रहे हैं, तो प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है फ्रेंड्स, या काइंडली गिव मी योर पेन। अगर हम ऐसे सामने वाले को बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अगर ऐसा बोलते हैं तो सामने वालों को दिल को अच्छा फील होता है और वो खुशी खुशी दे देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी ने कुछ दिया है या आपकी बातों को महत्व दिया जा रहा है या आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो आप उसको थैंक यू कहना ना भूले। आप थैंक्स भी कह सकते हैं लेकिन थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। थैंक यू अगर बोलते हैं तो थैंक्स से ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में और दिल को भी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स कह देने पे ऐसा ही फॉर्मेलिटी जैसा लगता है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि कोई भी आपको चीज़ कुछ दे रहा है या आपकी बातों को महत्व दे रहा है या आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो थैंक यू कहना ना भूले, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको किसी ने थैंक यू कहा है तो आप उसको वेलकम कहना ना भूले, वेलकम कहे या इट्स माय प्लेजर कहे, नो मेंशन प्लीज या इट्स ओके कहे। किसी ने भी आपको अगर थैंक यू कहा है किसी भी बात के लिए तो आप उसको वेलकम कहे, नो मेंशन प्लीज बोले, इट्स माय प्लेजर या इट्स ओके, ओके फ्रेंड्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी बातों को ठीक से सुन नहीं पाए या आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसकी बात को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तो आप उस वक्त बोले पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन प्लीज, आई डिंट गेट यू या विल यू प्लीज रिपीट, ओके फ्रेंड्स, ये कहना ना भूले। अगर आपसे कोई दोस्त या कोई भी शख्स आपसे मिलता है और आपसे आपका हाल चाल पूछता है कि है हाउ आर यू, तो आई एम फाइन कहने के साथ आप ये कहना ना भूलें कि आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू, ठीक है फ्रेंड्स, एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। अगर आपसे कोई आपका हालचाल पूछता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपने उसका हालचाल पूछा है, आपका केयर किया है तो आप भी उसका हालचाल ज़रूर पूछें। तो अगर आपका कोई हालचाल पूछता है कि हाउ आर यू तो आप बोलेंगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू एंड यू, आई एम फाइन एंड यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना कहना ज़रूर याद रखें, आप ज़रूर कहें और कहना कहने की आदत डालें आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज द कॉल्ड मैनर्स, शिष्टाचार, ओके फ्रेंड्स। इससे हमारे दिलों की नज़दीकियाँ बढ़ती है, एक दूसरे को अच्छा फील होता है जिससे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है, रिश्तों में मीठापन मीन्स रिश्तों की जो डोर है हमारी मजबूत होती जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैनर्स, मैं आपको मैनर्स नहीं सिखा रहा हूँ कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, बस ये जो बोलने के शिष्टाचार में शामिल है कि हम किस तरह से कब क्या किसको कहाँ कब क्या बोले, वो बस बता रहा हूँ, जो बोलने से काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।